हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ब्रदर्स की ये प्रिंटर को। इसका मॉडल नंबर है DCPL2520D। इस प्रिंटर का आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या मिला है। ये छोटू इस बॉक्स को कटिंग कर रहा है, कट कर रहा है, उसके बाद बॉक्स के अंदर से प्रिंटर निकाला जाएगा। ये साल 2024 का वीडियो है। ये प्रिंटर बहुत पुराना है, इसका बहुत सारा रिव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी 2024 में इसका रिव्यू देख रहे हैं, कर रहे हैं। और ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है प्रिंटर की। प्रिंटर बहुत पुराना और बहुत ट्रस्टेड कंपनी है ब्रदर्स। ये देखिए, इसको अच्छे से पैक किया गया जिससे इसको कुछ भी हार्म ना पहुँचे। इसको निकाल रहे हैं और ये हमारा प्रिंटर रहा। इसके अंदर कुछ दिखा, ये क्या है, ये मैनुअल है जिसको आप देख सकते हैं और इससे मतलब यूज़ करना सीख सकते हैं कि कैसे प्रिंटर को यूज़ किया जाए। इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा है वही CD है जिसमें देख सकते हैं, और इसी में वारंटी कार्ड भी होगा हम लोग को, तो इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। और ये फाइनली ये प्लास्टिक के अंदर ये रहा हमारा प्रिंटर। ये रहा, देखिए ऊपर का व्यू कैसा दिख रहा है हमारा प्रिंटर, बहुत ही सुंदर। अब इसको गाइस निकालना पड़ेगा। इसको छोटू से तो निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा भारी है, वेटेड है। मैं खुद निकाल रहा हूँ इसे, देखिए अंदर से थोड़ा स्टक हो चुका है, तो इसलिए ये देखिए ये हमारा प्रिंटर निकल गया। और ये प्रिंटर को मैं अच्छे से सही डायरेक्शन में लगा देता हूँ, तो ये रहा हमारा प्रिंटर ब्रांड न्यू। बॉक्स को साइड में कर दिया जाए और हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या है, कैसा इसका क्या क्या चीज़ है, देखते हैं। चलो इसको हम लोग पूर्व दिशा में कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा प्रिंटर बाहर निकल चुका है और अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्रिंटर का स्क्रीन, इसको खोलते हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है इसी पे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट शीट सब रख के फोटोकॉपी या फिर जेरोक्स करते हैं। ठीक है, देखिए चकाचक है, अभी तो नया है, तो इसको रखते हैं, बंद करते इसको और थोड़ा सा और देखते हैं इसके ऊपर। और हमारा सीट्स कहाँ लगता है, कहाँ पे हम लोग पेपर डालते हैं, तो इसका पेपर अंदर ही रहता है, अंदर ही डाल दिया जाता है। इसको इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे ध्यान से और इसके अंदर हम लोग सारे पेपर्स को डालते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दो सीट्स पहले से है अंदर में, तो यहाँ पे हम लोग जितना जगह है उसके अकॉर्डिंग सीट्स डाल सकते हैं एक बार में ही, और इसको फिर अंदर डाल के इनसाइड फुल्ली अंदर कर सकते हैं। पेपर आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। ये इसका साइड व्यू हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से गर्म हवा सब निकल सकती है इंजन मशीन में से। तो ये रहा इसका व्यू, ये लेफ्ट साइड का व्यू है। ये पकड़ने के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है, ये जो टेप दिख रहा है वहाँ से भी ये खुलता है। इसको खोलने का तरीका है उसको और वीडियो में बताएंगे। और ये इसका बैक साइड है, पीछे से आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक केबल लगाने वाला है यहाँ पे साइड में, वो भी लगा के आपको दिखाएंगे। नया प्रिंटर है तो माता जी ने कहा इसका पूजा कर लेते हैं। तो ये मेरा भांजा बिट्टू इसका जल्दी से चंदन टीका और अगरबत्ती दिखा रहा है। यहाँ पे चंदन लगाया जा रहा है, 3 बार हो चुका है, चौथा और एक बार, और ये रहा 5वां। तो इस प्रकार से हम लोग नए प्रिंटर का पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए प्रणाम कर रहा है। और ये हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम लोगों ने बोर्ड से कनेक्शन कर दिया और लाइट इसमें मतलब करंट इसमें ऑन कर दिया है
और ये रहा मेरा पीसी लैपटॉप। इससे इसको यूएसबी कनेक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। पीछे एक कोड है, सिंपली उस कोड को वहाँ पे लगा के और हम लोग क्या करेंगे कि यूएसबी से कनेक्ट कर लेंगे, लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा कॉर्ड सेट डाटा केबल्स है, ये हम लोग को प्रिंटर के साथ ही मिलता है, तो उसको फाड़ रहे हैं। और फिर ये हम लोग वायर को निकाल के और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है, प्रोसेस में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नए लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर के बैक साइड में, लेफ्ट साइड के बैक साइड में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा जहाँ पे हम लोग प्रिंटर मतलब कॉर्ड लगा सकते हैं। लगाते हैं ध्यान से, यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए लगाने में दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए, तो अब लगाया जा चुका है और इस प्रकार ये लग चुका है। और फिर इसको जो यूएसबी पोर्टल है लैपटॉप में उसमें लगा के इसको कनेक्ट कर लीजिए, और इस प्रकार से ये प्रिंटर कनेक्ट हो गया और आप जेरोक्स कॉपी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये प्रिंटर ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा बजट लगेगा, लेकिन ये प्रिंटर आपको बेस्ट है। ये प्रिंटर बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस चार्ज इसका बिल्कुल जीरो है। इसको आप ले लिए तो आपको बार बार इसको बनवाने या फिर कलर डलवाने जो भी हो बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रिंटर बहुत ही बेहतरीन है। ये ऑनलाइन में आपको 18,000 से 19,000 के रेट में आज अभी के डेट में 2024 में मिलेगा, और अगर ऑफलाइन लेने जाएंगे तो 16,000 16,000 17,000 तक आपको मिल जाएगा ये ऑफलाइन में। मैं तो ऑफलाइन ही लेना, मतलब आपको लेना चाहिए ऑफलाइन ही लेने के लिए मैं बोलूँगा। ऐसा पुराना प्रिंटर मेरे पास एक और भी है, वर्कलोड हाई होने के लिए मैं एक और नया प्रिंटर लिया हूँ। दोस्तों अगर इसका रिव्यू चाहिए आफ्टर यूज तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो और मैं वो वीडियो भी बना के डालूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, ये एक ब्रदर का ट्रस्टेड प्रिंटर है और बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और ये प्रिंटर लेके आप कभी भी रिग्रेट नहीं कीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रिंटर है ये। डबल साइड प्रिंटिंग प्रिंटर है, इसको यूज़ करने अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो है, आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिंटर का अनबॉक्सिंग हो चुका है, और गाइज आप लोगों ने देखा कि कैसा प्रिंटर है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।